पंचकुला नगर निगम के 20 वार्डों में एक महापौर के लिए रविवार को मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन निकाय चुनावों में जहां कांग्रेस ने पूर्व महापौर उपेंद्र कौर अहलुवालिया को मेयर पद के लिए उतारा है, तो वहीं भाजपा जजपा ने एक मिलनसार व उद्यमी कुलभूषण गोयल को मैदान में उतारा। इसके साथ ही इन चुनावों में अन्य चार उम्मीदवार बसपा के अनिल पंगोत्रा, आजाद उम्मीदवार सुदर्शन बंसल, पदम गर्ग और श्याम सिंह नेग भी मैदान में हैं। आज प्रसार का आखिरी दिन है। अगर बात करें सत्ताधारी दल भाजपा जजपा से मेयर पद के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल की, तो उनके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, स्वयं सूबे के प्रमुख सीएम मनोहर लाल खट्टर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर इत्यादि ने प्रचार किया। इन चुनावों में पंचकुला की राजनीति में भूचाल तो तब आ गया जब वीरवार की शाम जानकारी मिली कि हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थाम लिया। कारण कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में समय बलवान है। कोई खेमा बदलकर नाराजगी जाहिर करता है तो कोई अवसर का लाभ उठाने के लिए पार्टी बदलता है। इन चुनावों में कांग्रेस मेयर पद की प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलुवालिया के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन समेत कुमारी शैलजा, प्रदीप चौधरी, पवन बंसल अनेक दिग्गजों ने प्रचार किया। इस दौरान रंजीता मेहता कांग्रेस के प्रचार में मौजूद नहीं रही, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा रंजीता मेहता के निवास पर उन्हें मनाने भी पहुंची। उस समय तस्वीर साफ हो गई कि भाजपा कांग्रेस दोनों दलों में यह बात अंदर ही अंदर घर कर चुकी थी कि रंजीता कभी भी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो सकती हैं। बात करें रंजीता मेहता की, तो पंचकुला में रंजीता मेहता कांग्रेस की दिग्गज नेत्री के रूप में जानी जाती रही हैं। 2019 में विधानसभा चुनावों से पहले भी पंचकुला सीट से रंजीता मेहता का नाम सामने आता रहा, किंतु टिकट पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को मिली। इसी साल कोरोना महामारी के दौरान रंजीता मेहता कोरोना से पीड़ित हो गई थी। मेयर पद का टिकट ना मिलना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। निकायों के चुनावी समीकरणों की बात करें तो मोटे तौर पर 1,85,000 मतदाता हैं, जिनमें ब्राह्मण वर्ग की 12% वोट, बनिया वर्ग 8%, 6% जाट, 6% पंजाबी, 30% SC कोटा, 25% OBC वर्ग, 5% सिख और अन्य बुद्धिस्ट और मुस्लिम मतदाता हैं। एक आंकलन अनुसार अभी तक भाजपा जजपा के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल का पलड़ा भारी नजर आता दिख रहा है। बाकी इन चुनावों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 30 दिसंबर दिन बुधवार को होगा, जब निकाय चुनावों के परिणाम घोषित होंगे। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।